अब हम देखने वाले हैं कि लिबास पहनने में क्या आदाब है और आप दोनों में से कौन से वॉलंटियर करेगा। वेरी गुड, आपने हाथ पहले उठाया, खड़े हो जाओ यहीं पे ऊपर सबसे पहले। ओके, अब पहनो, बताओ कि कैसे पहनते हैं। ये शॉर्ट है नो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। रुक जाओ, दो अच्छी चीजें इन्होंने की, आप लोग बताओ क्या दो? बिस्मिल्लाह कहा। आप लोग लेट हो गए, इन्होंने पहले कह दिया, क्या करूं? ये तो गर्ल्स के लिए क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी जवाब दिया तो तुम्हें मिलेगा। हाँ, बिस्मिल्लाह कहा, एक अच्छी चीज। दूसरी क्या अच्छी चीज की इन्होंने? इन्होंने क्या अच्छी चीज की, बोलो जल्दी जल्दी, रुको। अब सब आप यही देने वाले, आप लेट हो गए। यस, राइट हैंड इन्होंने पहले डाले। पहले कौन सा हैंड डालना चाहिए? राइट। सिर्फ बॉयज को कि गर्ल्स को भी? गर्ल्स को भी। बॉयज को या गर्ल्स को भी? बॉयज। वेरी गुड। बड़ों को भी, छोटों को भी? बड़ों को भी, छोटों को भी। वेरी गुड। अब इसके बाद बिस्मिल्लाह कहा और ये कहा, अब पहन लिया आपने। ओके, अभी क्या? दुआ पढ़ो। दुआ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी हाजा वरजकनी मिन गैरी हौलिम मिन्नी वला कुवा। माशाल्लाह, वेरी गुड। लिबास पहनने के बाद भी हम अल्लाह को याद करते हैं, जैसे खाना खाने के बाद भी याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। क्यों? हमारे हाथों में ताकत है, हम जाके कर सकते हैं। नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवाय अल्लाह की तरफ से, कोई हरकत या कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह की तरफ से। अब ये जो दुआ आपने पढ़ी, बिल्कुल सही दुआ पढ़े, और हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे और आप सब भी पढ़ेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। Alhamdulillahilladhi kasani hada warazaqanihi min ghairi hawlin minni warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwa. Iska translation kaun batayega? Big star. Yani big kya? Ye big bike milne wali hai. कौन बताएगा? मतलब अल्लाह की तरफ से हमें कपड़े मिले हैं। ऐसे ही आपने ट्राई किया, इसके लिए छोटा सा स्टार मिले, इतना स्मॉल। ये लो। देखिए अभी दुआ हम लोग ट्रांसलेशन याद करेंगे। क्यों ट्रांसलेशन याद कर रहे हैं, कौन बताएगा? ट्रांसलेशन क्या सीखने की जरूरत है? क्योंकि है ना, मतलब याद करेगा, दुआ भी याद होगी, मतलब याद करने से। लेकिन दुआ तो आपको पहले से याद है, फिर क्या? फिर दुआ अच्छे से समझ में आएगी। तो फिर दुआ अच्छे से याद होएगी। तर्जुमा अगर याद करेंगे जी, आपको भी स्मॉल सा स्टार मिल जाएगा। यस, अगर तर्जुमा याद करेंगे तो है ना, तो फिर है ना हमें समझ आएगा, समझ में आएगा, समझ में हमेशा पढ़ेंगे। समझ में आएगा तो याद रहेगा, हमेशा पढ़ेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड आंसर, वेरी गुड। लेकिन और कौन बताएगा क्या वजह? हाँ, अगर ना तर्जुमा याद करेंगे ना, हाँ तर्जुमा याद करेंगे तो अगर दुआ याद रहेगी, तर्जुमा नहीं याद रहेगा तो क्या फायदा है? दुआ नहीं, नहीं, फायदा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तर्जुमा याद करेंगे तो दिल से पढ़ पाएंगे, दिल से नहीं तो सुबान पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह लगी, दिल कैसे कहेगा? मालूम होगा तो दिल कहेगा ना, मतलब क्या है, मतलब पता होगा तो दिल से कह सकते हैं। हाँ, ओके, अभी हम दुआ का तर्जुमा याद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफ अल्लाह की जिसने मुझे ये पहनाया। हाँ, वरज़क़नीहि और मुझे ये रिस्क दिया, वरज़क़नीहि मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी वला क़ुव्वा, मेरी तरफ से कोई हरकत या कुव्वत के बगैर, कोई हरकत, हरकत या मूवमेंट या कुव्वत के बगैर, मतलब हकीकत में ना कोई कुव्वत और ताकत नहीं है अल्लाह की तरफ से। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कौन ताकत दिया? अल्लाह। अल्लाह 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 ताकत देते हैं, अल्लाह ताला ताकत देते हैं तो हम कर पाते हैं। यस और नो? यस। तो अभी किए, अब आगे शूज। अच्छा ये बताओ, शूज से पहले पैंट, पैंट तो आप पहने हुए हो, लेकिन इतना बताओ पैंट पहनते हैं तो कौन सा लेग पहले डालेंगे? राइट, राइट लेग फर्स्ट। और इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग? मिस्टेक है वो, राइट लेग पहले होना चाहिए। हम लोग जो अच्छी चीजें हैं सब राइट से स्टार्ट करते हैं, राइट से हम लोग लिखते हैं, पहनते हैं,
राइट से हम लोग लिखते हैं। कौन बताएगा? लिखते हैं राइट से हम लोग पेन 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 और बताओ कुरान पढ़ते हैं। राइट राइट हैंड से हाँ और बताओ राइट हैंड से तैयार करते हैं। तैयार भी राइट हैंड वेरी गुड माशाल्लाह। और बताओ और राइट लेग से हम लोग शूज पहनते हैं। राइट लेग से शूज और बोलो राइट हैंड से ज़कात। कौन बताएगा जल्दी बताओ? राइट हैंड से ज़कात देते हैं हम लोग चैरिटी देते हैं। ओके और बताओ राइट हैंड से क्या और? राइट हैंड से राइट लेग से घर में जाते हैं। राइट लेग से घर में जाते हैं मस्जिद में जाते हैं। अच्छा लेफ्ट लेग से टॉयलेट में जाते हैं। राइट लेग से टॉयलेट से बाहर निकलते हैं। ये जो राइट लेफ्ट ये क्या है मालूम है? ये सिस्टम है। आपको पता है कंप्यूटर्स में आपको पता है कंप्यूटर्स शट डाउन करना है कैसे करते हैं? अरे हम लोग विंडोज अरे हम लोग कंप्यूटर में शट डाउन कैसे करते हैं? हम लोग कौन सा बटन? वो शट डाउन बटन क्लोज बटन। हां क्लोज बटन कहां है? शट डाउन बटन यहां पे कोने लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है स्टार्ट वो दबाते हैं। हां तो शट डाउन पे दबाते हैं। हां और फिर शट डाउन में जाके शट डाउन दबाते हैं। फिर कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करना है तो पहले स्विच ऑफ करेंगे कि पहले ये करेंगे? पहले ये करेंगे। बाद से स्विच ऑफ करेंगे कि पहले शट डाउन करेंगे? पहले शट डाउन करेंगे। पहले शट डाउन करेंगे फिर स्विच ऑफ करेंगे? यस और नो? यस। पहले स्विच ऑफ करेंगे फिर शट डाउन करेंगे? नो नो। कंप्यूटर खराब होता है ऐसे है ना? हाँ। अब वो सिस्टम है। सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम कंप्यूटर वाले ने बनाया। उन्होंने कहा ऐसे करना शट डाउन, ऐसे मत करो स्विच ऑफ। यस और नो? यस। सिस्टम होता है। हम लोगों को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह को पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, अल्लाह ताला को पता है हमारे लिए क्या बुरा है। और हम लोग कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो पता है आपको अमाल दिए जाएंगे, बुक ऑफ डीड्स, बुक ऑफ डीड्स दिए जाएंगे। तो कौन से हैंड में दिए जाएंगे मालूम है? राइट। अच्छे डीड ज्यादा है तो राइट हैंड में और बुरे डीड ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड में। आप लोगों को कौन से हैंड में चाहिए जल्दी बताओ? कौन से हैंड में चाहिए? राइट हैंड में चाहिए। इसीलिए राइट से शुरू करते हैं हम लोग अच्छे अच्छे काम, क्योंकि हमें राइट हैंड में चाहिए। यस। अभी शूज कैसे पहनोगे? नहीं नहीं उनको उतारने दो जैसे भी करते हो। कैसे उतार रहे हो? ओके अब पहनो। पहले कौन सा लेग उतारना चाहिए? कंफ्यूज राइट पहनने में शूज राइट लेग फर्स्ट उतारने में पहनने में राइट उतारने में लेफ्ट पहनने में राइट उतारने में लेफ्ट पहनने में राइट। ओके अभी पहन लिया आपने। आपने पहले कौन सा पहने? राइट। और उतारने में कौन सा पहले उतारेंगे? लेफ्ट। अभी शर्ट उतारेंगे आप। हाँ चलो जल्दी उतारो। लेफ्ट हैंड उतारेंगे। देखने दो कैसे उतारते हैं। उधर खड़े हो। यस हम लोग सब देख रहे हैं। कौन सा हैंड कलर निकाले? ये हैबिट परफेक्ट होनी चाहिए। राइट निकाल दिए। पहले कौन सा निकालना चाहिए? लेफ्ट। पहले लेफ्ट निकालना चाहिए। तो इसी वजह से क्योंकि मिस्टेक हो गई आपको छोटा सा स्टार मिलेगा, नहीं तो बड़ा मिलने वाला था। बस बैठ जाओ चेयर लेके बैठ जाओ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिंदगी है, जिंदगी में प्रैक्टिस करना है हर अमल। और क्या होता है मालूम है? Habits. क्या होता है habit. अगर habit सही है ना तो नींद में भी शर्ट पहन रहे हो तो कैसा पहनेंगे? राइट। और नींद में भी निकाल रहे हो तो पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट निकालेंगे फिर राइट निकालेंगे। यस यस। अगर habit बन गई तो habit सही हो जाएगी। habits अच्छी भी होती है, गलत habits भी होती है, सही habit भी होती है। अच्छी आदतें सीखेंगे तो अच्छा अमल मिलेंगे, बुरी आदतें सीखेंगे तो बुरा अमल मिलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अच्छे अच्छे काम करके अपने सीधे हाथ में अपने आमाल को पाने की अल्लाह ताला हम सबको ये मौका सआदत और तौफीक दे दे। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक दे, अच्छी आदतें बनाने की तौफीक दे, बुरी आदतों से बचने की तौफीक दे अल्लाह ताला हम सबको। आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। फिर देखिए अगले एपिसोड, साथ में जुड़े रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए।
हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।